और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। वॉर को लेकर ज़ेलेंस्की का सनसनीखेज बयान, युद्ध का आखिरी स्टेज बेहद खून खराबे वाला होगा। यूक्रेनियंस स्टूडेंट्स के सामने स्पीच में बोले हैं वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की, बाहर रह रहे यूक्रेनियंस को लौटने को नहीं कह सकते हैं क्योंकि युद्ध का फाइनल स्टेज बेहद कठिन होगा। आप देखिए ज़ेलेंस्की की तरफ से वार्न किया गया है, यानी कि हमने देखा फर्स्ट फेज के बाद जो सेकेंड फेज में जिस तरह से रूस का पूरा फोकस ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ रहा और हम यहां पर भीषण युद्ध देख रहे हैं और इसके पहले भी जमकर नरसंहार का आरोप लगाया गया, इससे भी ज्यादा खौफनाक हालात फाइनल स्टेज में होंगे, ये वार्निंग ज़ेलेंस्की दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में एटमी अटैक की आशंका और बढ़ गई है। युद्ध में लेजर वेपन के इस्तेमाल से हड़कंप मचा है, लेजर वेपन से ड्रोन को टारगेट कर रही है रूसी फौज, लेजर हमले के साथ न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है रूस। ये बड़ी खबर आ रही है लेजर वेपन के इस्तेमाल की, लेजर हमले के साथ न्यूक्लियर अटैक भी रूस कर सकता है, लेजर वेपन से ड्रोन को टारगेट कर रही है रूसी सेना, युद्ध में लेजर वेपन के इस्तेमाल से हड़कंप मचा हुआ है। और यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच दुनिया के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु बम को लेकर चेतावनी दी है। और आपको बताएं कि बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है, दुनिया में कभी भी परमाणु महायुद्ध छिड़ने का खतरा है। पुतिन ने एटम बम दागा तो नाटो भी एटमी जवाब देगा, और इस तरह से वो जिसकी कल्पना कभी नहीं कोई कर सकता उस तरफ यह युद्ध चला जाएगा। और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट सामने आई है इसमें साफ साफ कहा गया है कि यूक्रेन की जंग में अगर रूस फिर से बढ़त हासिल करने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो नेटो देशों के पास चार विकल्प होंगे। वो कौन कौन से विकल्प है आपको बता दें, इनमें सबसे खतरनाक विकल्प होगा जो नंबर एक, इसमें नेटो रूस के खिलाफ यूक्रेन के अंदर या बाहर एक या कई परमाणु बम फोड़ सकता है। विकल्प नंबर दो क्या होगा, विकल्प नंबर दो यह कहता है कि रूसी सेना के खिलाफ परंपरागत वेपन से हमला करना है। तीसरा विकल्प क्या होगा, रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखना है। और चौथा विकल्प होगा रूस के अंदर एक टारगेट पर ज्वाइंट अटैक करना। मतलब यह साफ है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध कभी भी रूस बनाम नेटो में तब्दील हो सकता है, और यही वजह है कि दुनिया में कभी भी परमाणु महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ये जो सर बुलेटिन ऑफ एटॉमिक रिसर्च की तरफ से जो पूरी जानकारी सामने रखी गई है, और ये कहा गया है कि परिणाम बहुत ही ज्यादा विभीषिका वाले होंगे, कितना सीरियस आप इसको देख रहे हैं? देखिए ये वार्निंग तो बहुत सीरियस है, लेकिन इसमें मेरा समझना है कि कोई भी समझदार व्यक्ति चाहे पुतिन भी हो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेंगे, और कोई भी परमाणु युद्ध छेड़ने से पहले बहुत बड़ा ये उनके ऊपर भी उनके व्यक्तित्व के ऊपर एक धब्बा होगा। कभी वर्ल्ड वॉर के बाद देव ने स्टेटमेंट दिया है कि रूस परमाणु युद्ध नहीं शुरू करेगा, नहीं करेगा क्योंकि उसके हक में भी नहीं है और उसके उसके फायदे के लिए भी नहीं। लेकिन एक मेरा सवाल यह है, देखिए लगातार रूस बोल रहा है अगर उसके अस्तित्व पर आएगा, अगर उससे लगातार चैलेंज किया जाएगा, हम देख रहे हैं स्वीडन और जो फिनलैंड है दोनों ने फॉर्मली अप्लाई कर दिया है नेटो में जाने के लिए, और दूसरी तरफ स्कैंडर मिसाइल्स को पहुंचा दिया गया फिनलैंड के बॉर्डर के पास, तो कैसे आप को देख रहे हैं? ये तो उसी तरफ इशारा कर रहा है ना कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है। देखिए रूस ने क्या कहा, उसने जैसे ही इन्होंने नेटो की तरफ जाने का विकल्प रखा तो इसने रूस ने कहा कि हम भी पूरे आजाद हैं, कोई भी हम एक्शन मिलिट्री एक्शन भी लेना हो तो हम उसके लिए पूरा हमारे ऊपर है, हम लेना चाहें तो ले सकेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं पहले मैं भी कहता रहा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज होंगे, लेकिन अब मेरा कहना है अगर यूज करेगा कोई तो स्ट्रेटजिक वेपन करेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ उसका अस्तित्व का की भी बात है, उसकी रेपुटेशन की बात है, चाहे पुतिन हो चाहे कोई भी देश हो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन चलाना फर्स्ट यूज ये बहुत बड़ा एक धब्बा होगा किसी भी एक नेता के लिए। ठीक है, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।